वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की रामधारी गुप्ता की बुक से ली गई डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है गन्ना पैदा करता है वह परेशान है कि क्या होगा। विराम, हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा। विराम, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। विराम, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिले। विराम, हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें। विराम, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं। विराम, केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती हैं। विराम, अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। विराम, उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सकें। विराम, पैरा, हमारे देश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है। विराम, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। विराम, बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। विराम, नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। विराम, जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरे खाते फिरते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। विराम, बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं। विराम, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। विराम, इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे। विराम, फिर आपको कहाँ से अन्न मिलेगा। आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे। विराम, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। विराम, किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। विराम, पैरा, खाद की भी बात की जाती है। विराम, आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। विराम, क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए। कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। विराम, अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। विराम, पैरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक
ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। विराम, आजकल कृषि पर बहस चल रही है, मैं कल से सुन रहा हूँ। विराम, कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। विराम, मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। विराम, मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। विराम, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है? कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूँ कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। विराम, पैरा, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। विराम, खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। विराम, देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। विराम, इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। विराम, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। विराम, उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। विराम, भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। विराम, सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। विराम, मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। विराम, यह मेरी मांग है। विराम, पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। विराम, खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। विराम, आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। विराम, यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है, बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती। विराम, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी देखने और सोचने की ही बात है। विराम, इस और एक समन्वयक नीति चाहिए। विराम, धन्यवाद।